वेल, तो क्या आप जानते हैं कि एक आंखों से अंध लड़का जिसने खुद के दम पर पढ़ाई की और एक ऐसी कंपनी बना दी जिसमें रतन टाटा जैसी बड़ी हस्ती ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। बॉलीवुड इस इंसान के ऊपर एक बायोपिक मूवी बनाने जा रहा है जिसमें राजकुमार राव जैसे बड़े कलाकार काम करने वाले हैं। वेल, कौन है ये इंसान, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव, जो कि अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने न्यूटन और स्त्री जैसी मूवीज में अपनी एक्टिंग स्किल के जरिए लोगों को काफी प्रभावित किया है, अब वो अपना जलवा एक नई बायोपिक मूवी में दिखाने वाले हैं। राजकुमार राव ने हाल में ही एक बॉलीवुड बायोपिक मूवी साइन की है जिनमें वो एक अंध बिजनेसमैन का किरदार निभाने वाले हैं। वेल, इनका नाम श्रीकांत बोला है। इस मूवी को तुषार हीरानंदानी डायरेक्ट करने वाले हैं। ये मूवी टी सीरीज जैसे बड़े बैनर के नीचे बनने वाली है जिसका शूटिंग इसी साल में शुरू हो जाएगा। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि वो कौन है जिसके ऊपर बायोपिक बनने वाली है और उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनकी कंपनी में रतन टाटा जैसी बड़ी हस्ती ने इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए विस्तार से जानते हैं। वेल, श्रीकांत बोला मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके गांव का नाम सीतारामपुरम है जो कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम डिस्ट्रिक्ट में आता है। श्रीकांत बोला जन्म से ही अंध पैदा हुए थे। अंध होने के बावजूद सारी मुश्किलों का उन्होंने बड़ी धीरज के साथ सामना किया और देश के प्रथम अंध बिजनेसमैन बने। उनकी कंपनी का नाम बोलंट इंडस्ट्री है जिसका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। श्रीकांत बोला को अंध होने के कारण एक बिजनेसमैन के तौर पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब उनका जन्म हुआ तो परिवार को पता चला कि वो बच्चा अंध पैदा हुआ है, तो आसपास के लोगों ने उनके माता पिता को सलाह दी कि वो इस बच्चे को अनाथ आश्रम में रखाए। परिवार तो खेती करके अपना जीवन बसर करता था, माता पिता को बच्चे से बहुत लगाव था जिन्होंने समाज की परवाह ना करते हुए बच्चे को पाला पोसा। परिवार खेती से जुड़ा हुआ था। श्रीकांत बोला के माता पिता ने उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। स्कूल में भी श्रीकांत बोला को सब बच्चों के पीछे की बेंच पर बिठाया जाता था। श्रीकांत बोला का मन पढ़ने लिखने में ज्यादा लगने लगा था। श्रीकांत स्कूल के दिनों में ही लिखने से ज्यादा पढ़ने में खूब आगे थे। दरअसल श्रीकांत के माता पिता ने ही उनको कुछ अलग करने की प्रेरणा दी थी। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद श्रीकांत बोला ने 10वीं तक पास कर लिया था। अब आगे वो साइंस की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आंखों की रोशनी ना होने के कारण स्कूल वाले उनको साइंस की पढ़ाई करने से रोक रहे थे। तब तकरीबन 15-16 साल की उम्र में ही उन्होंने साइंस पढ़ने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें उनके 6 महीने निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 6 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार साइंस पढ़ने का मौका उनको मिल ही गया। श्रीकांत बोला जान लगाकर 10वीं और 12वीं में साइंस पढ़ते रहे और 12वीं कक्षा में 98% मार्क्स लेकर उन्होंने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो कहते थे कि साइंस पढ़ना एक अंध इंसान के बस की बात नहीं है। वेल, इन सब के बावजूद भी मुश्किलियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। श्रीकांत बोला IIT में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका सपना वहां पर टूट गया जब IIT में पढ़ाई करने के लिए उनको कोई भी कोचिंग सेंटर ने एडमिशन नहीं दिया। तब श्रीकांत बोला ने अमेरिका की MIT में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन किया जहां पर उनका एडमिशन भी हो गया, जिसके बाद वो MIT से पास होने वाले भारत के पहले अंध स्टूडेंट बने और MIT से पास होने वाले प्रथम अंतरराष्ट्रीय अंध स्टूडेंट भी कहलाए। श्रीकांत बोला पढ़ाई के बाद 2012 में भारत में लौट गए, जिनका सपना देश के लिए कुछ करने का था और इसी सपने के चलते उन्होंने बोलंट इंडस्ट्री की स्थापना की। ये इंडस्ट्री इको फ्रेंडली पैकेजिंग चीजें बनाती है और ये कंपनी समय के साथ आगे बढ़ी और इसका सालाना टर्नओवर आज करोड़ों रुपए में है। इतना ही नहीं, बिजनेस टाइकून रतन टाटा जैसी बड़ी हस्ती ने इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है। 2017 में श्रीकांत बोला को फोर्ब्स की अंडर 13 एशियन लिस्ट में भी शामिल किया गया था। श्रीकांत बोला को कई राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2006 में श्रीकांत बोला ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी मुलाकात की थी जहां पर श्रीकांत बोला ने अपना सपना बताया था कि वो एक दिन देश के प्रथम अंध राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सच में दोस्तों, श्रीकांत बोला केवल अंध लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा समान है। वाल, ऐसे इंसान को न्यूटेक मीडिया चैनल सत सत नमन करता है।
जय हिंद, जय भारत।